ग्वार की फली है और ये मैंने थोड़ी सी एक भाप देकर उबाल ली। और इनको मैं इनमें क्या एक रेशा होता है इसके कारण ना खा नहीं पाते इसको, और हर किसी को इसका बनाने का तरीका नहीं आता। तो ये है, इनको हल्का सा उबाल लिया एक भाप लगा के और इनका रेशा निकाल के कुछ इस तरह के टुकड़ों में मैंने कट कर लिए हैं। तरह चाकू से हल्का सा कट देंगे तो ये आप देख सकते हैं ये रेशा, ये इस तरह का होता है, ये खाया नहीं जाता, ये चबता है मुँह में ना, चुई हो जाता है, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है। आप ग्वार की फरी बना रहे हो तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपका दोनों साइड से जो रेशा निकलेगा आप वो निकाल सकते हो, ये निकल गया। इसी तरीके से मैं सभी को साफ कर लेती हूँ। आप इस ग्वार की फरी को ना कई प्रकार से बना सकते हो, ठीक है, आलू के साथ ही बना सकते हो, ग्रेवी के साथ ही बना सकते हो, और आप ऐसे ही इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। तो ये मेरा सिंपल तरीका है, आलू के साथ ही बनाना बताऊंगी, ग्रेवी के साथ ही बनाना बता दूंगी आपको। और इसके साथ काट लिया मैंने एक मीडियम साइज का प्याज और है कुछ हरी मिर्ची। आपको मिर्ची ज़्यादा लग रही होंगी बट ये तीखी कम है, वैसे भी मिर्ची चटपटी काफ़ी अच्छी लगती है। हींग, गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, धनिया, काफ़ी हरी मिर्ची ली हुई हैं तो लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे। मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल देसी रेसिपी मिलेंगी, सारी की सारी जो हमारी इंडियन रेसिपी होती है बाहर की बहुत ही कम मिलेंगी। और आप, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकती हूँ, ठीक है, और आप जो मसाले हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, टेस्ट आपके हाथ में है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो, मैंने कुछ सामान लिया है और जीरा भी लिया हुआ है, थोड़ा सा लेंगे हम जीरा। सारी सब्जियां मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा कप तकरीबन सरसों का तेल डाला, अच्छा गर्म हो चुका है। जीरा डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि ये मैं अचारी टाइप में बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, चटपटी बिल्कुल। ये फली मिला देंगे, आधे नींबू का रस निकाल लेंगे, पकाना नहीं है इनको, मसालों के साथ अच्छे से मिलाना है हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट। और ये नींबू का रस है ऊपर से डाल। ग्वार की फरी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है और लुक भी बहुत अच्छा है। ग्वार की फरी बनकर रेडी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसके साथ बनाई मैंने मोटी मोटी रोटियां, आप देख सकते हो ये घी के हाथ के हैं, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और मिक्स वेज रायता है, इनको खाने का देसी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है ये देसी तरीका। ये काफ़ी मोटी रोटी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको गांव की याद दिला देगी ये। और इजी है इसको बना, जो वो रेसा जैसा धागा होता है ना उसको निकालने में हम लोग थोड़ा झंझट समझते हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही कम बनाते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए और बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना इसको। तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।